অনলাইনের মেডিসিন বাণিজ্য রুখতে একজোট হচ্ছেন অফলাইন ওষুধ ব্যবসায়ীরা। অল কাছাড় মেডিসিন রিটেল এন্ড হোলসেলার অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হলো রবিবার। এদিন কাছাড় ক্লাবে আয়োজিত ওই সভায় অনলাইন মেডিসিন বাণিজ্য রোধে সকল মেডিসিন বিক্রেতাদের একজোট হতে আহ্বান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তারা। এআইওসিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জে এস সিন্ধে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। মেডিকেল কলেজে एक इतना इजी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये जो हम फार्मेसी कॉलेज खोलने जा रहे हैं ये भी हमारा 10 करोड़ का बजट है। अभी कोई जिले में या कोई जगह में मेडिकल कॉलेज हम खोलते हैं तो अभी आज के तारीख में एक 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट में खर्चा देकर अभी आजकल उसका जो खर्चा है वो नहीं होता है, लेकिन ये सरकार द्वारा ही मेडिकल सरकार द्वारा ही खत्म। आप लोग इसको कैसे देते हैं? नहीं, हम भी देखिए आज भी हम ये चाह रहे हैं कि अपने देश में 142 करोड़ या 143 करोड़ की जनता है, यहाँ 70% हमारा देहात है, आज भी रूरल एरिया है, और ये रूरल एरिया में आज भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर नहीं है। अगर ये जितना कॉलेज बनेगा उससे गांव में भी मेडिकल MBBS या MD डॉक्टर मिलेंगे, ये हमारे लिए जनता के लिए और कंज्यूमर के लिए आम आदमी के लिए अच्छी बात है, और ऐसे अगर कॉलेज आसाम में भी हर एक जिले में बनते हैं तो उसका स्वागत हम करें। आपको लगता है कि नए सर देखिए कोई भी सरकार को अगर टिकना है तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आज की यहाँ BJP सरकार है, यहाँ आसाम में अच्छे रोड बना रही है, अच्छा काम देख रही है और अच्छा काम कर रही है, हमारा उनको आशीर्वाद है। ये जितनी भी दवा है जेनरिक दवा, देखिए कोई भी दवा अपने देश में कोई भी बनाएगा तो उसको खुद को बना के बेचना अलाउड नहीं है। ये जो दवाई बनाना चाहता है उसको ये जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है आपके जिले के हो या राज्य, इनके पास जाके जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जहाँ वो बनाता है वो कंपनी का, जो कंपनी जहाँ ये चीज़ बनती है उसका लाइसेंस देना पड़ता है, और ये सब देकर वो दवा भी अप्रूव करके लेनी पड़ती है, उसकी कीमत भी अप्रूव करती है।
तो ये कोई भी दवा अनलेस माफिया लोग जो बनाते हैं वो छोड़कर ये दवाई अच्छी होती है। अभी जेनरिक जेनरिक में क्या है कि ये दवाइयाँ आज गांव में जो लोग हैं उनको अफोर्ड होने के लिए सस्ती दवाइयाँ चाहिए, तो एक एक दवाई अपने देश में बनती है उसको जेनरिक ही है, लेकिन वो ब्रांड से बनती है, डॉक्टर लोग उसको लिखते हैं, उसको ब्रांडेड जेनरिक कहते हैं। और ये जेनरिक जेनरिक पे जैसे गरीब आदमी उनको अफोर्ड होना तो जेनरिक जेनरिक दवाई देते हैं, दवा अच्छी, उसका भी मार्जिन अच्छा, वहाँ भी कॉम्पिटिशन है, और कुछ समाज में एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो हमारे मेंबर नहीं होते, ये गलत करते हैं, लेकिन वो एंटी सोशल एलिमेंट छोड़ के बाकी 90% लोग अच्छा काम करते हैं। और अगर ऐसे कोई गलत लोग हैं तो हमें आप खबर दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। और जो ये क्योंकि अपने देश में कानून सख्त हुआ है, ये जो नॉकोटिक दवा है इसको अभी हम बेच नहीं सकते हैं, इसको हमारे यहाँ अभी नींद की गोली ना नशे की गोली ये सब अगर केमिस्ट में आएगा तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए अभी अपने देश में हमें रोज़ रिटेल में N1H1 एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, कोई दवाई हमने कितनी बेची उसका जवाब देना पड़ता है और वो चल रहा है, लेकिन छुपे छुपे ये भी जो इसमें भी ड्रग माफिया काफ़ी है आपके नॉर्थ ईस्ट में, और ये सब माल बाकी के आपके आजू बाजू के देश में ये कोडीन वगैरह सिरप जाती है, वो अलग रास्ता है, लेकिन ये दवा के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये दवाई हम लोग बिना पर्ची नहीं दे सकते, अगर कोई दिया हुआ पाएगा तो उसको एक्शन होता है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल होता है। आपने देखा है कि जितने भी लोग हैं बाहर वाले ये डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहे हैं, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 40%। हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और फार्मेसी एक्ट में ऐसे बोर्ड लगाने का प्रावधान नहीं है, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम सरकार के पास गए हैं। महाराष्ट्र में परसों हमारे चीफ मिनिस्टर से मिले और महाराष्ट्र में तो ये बोर्ड बनाने का ऐलान नहीं है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। अभी देखिए ये जो भी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ आया है, इससे अभी G20 की मीटिंग हो रही है कि आगे चल के हमारे देश में 187 कंट्री के लोग यहाँ दवा के व्यापार में या सभी व्यापार में यहाँ आने वाले हो, आना शुरू किया है, और ये अगर आते हैं तो ये लोग हमारे लिए कंपटीशन होगा। तो हमारा आज पूरे हिंदुस्तान में 12 लाख केमिस्ट हमारे मेंबर है, तो ये 12 लाख केमिस्ट को जिंदा रखने के लिए आज हमने नारा लगाया कि सब केमिस्ट एक होना चाहिए, अपना बिजनेस अपनों से करो, ये हमारा आज का ऐलान है। और हमने ये कहा है कि आगे चल के ये रिटेल में भी, ऑर्गेनाइज रिटेल या होलसेल में भी हम लोग भी अपने कंपनियां बना के होलसेल में भी आएंगे या रिटेल में आएंगे, और हम भी ऐसे रिटेल मॉडल लाएंगे जो वर्ल्ड बेस्ड मॉडल होगा, जिसमें आम आदमी को या मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देना शुरू किया। हमने ऑल इंडिया में M+M मेडिसिन प्लस मोर ये रिटेल ब्रांड ऑलरेडी लाई है जो हम करेंगे। और अभी अभी आज आपको कल मैं हमारे CDA आसाम में हमने फार्मेसी कॉलेज का ऐलान किया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करीबन 120 बच्चों का और B.Pharm 60 बच्चों का एक कॉलेज मेडीपारा मंगल डोई में हम शुरू करने जा रहे हैं। 89,000 की जगह हमने ली है और सितंबर में हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जुलाई में परमिशन लेने के बाद, और करीबन 50,000 फुट की ये कॉलेज बनेगी जहां जिसका एजुकेशन ये हम सितंबर 2024 से शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये पहली कॉलेज ऐसे जो हमारे एसोसिएशन द्वारा व्यापारी संस्था द्वारा चली हुई पहली कॉलेज है जिसका बजट हमारा करीबन 7 से 8 करोड़ रुपया है, जिसमें कुछ पूंजीपति हमें इसमें दान देंगे, ऑल इंडिया इसमें मदद करेगी। और मैं सभी नॉर्थ ईस्ट के आसाम के पूंजीपतियों को भी ऐलान करूंगा कि इस कॉलेज में हमें भी कुछ आर्थिक सहायता दे ताकि यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी फार्मासिस्ट बने और अपना व्यापार अच्छा करें, तो इसके लिए भी हम कॉलेज खोल रहे हैं, ये नया खबर है। आज कचार जिले की एनुअल जनरल बॉडी ट्राइनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ हो रही है, इस मीटिंग में
करीमगंज, हैलाकंडी, हिमाचल और कचार, ये चारों जिले एक हुई है। आज इस मीटिंग में हमने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ने जितनी भी ऑनलाइन बिजनेस है इस देश में, इसको इल्लीगल बताया है। इसके लिए हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, इनकी हमारी अप्रैल में अपना मई में मीटिंग हुई और उनको हमने कहा कि भाई ऑनलाइन हमारा जो बिजनेस है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से 1945 एक्ट से चलता है, इसमें ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। और ये लाने जो 139 लोग ऑनलाइन में धंधा शुरू किए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ने 7 साल पहले ही ऑनलाइन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया है, लेकिन इसको बंद करने के लिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हमने क्या किया, पूरे ऑल इंडिया के एक कार्यकारिणी ने हमने पूरे देश में गली से लेके दिल्ली तक हल्ला बोल ये कानून के खिलाफ हमने एक ऐलान चलाया, जिसको सरकार को हम नोटिस देने का सरकार ने हमें बुलाया। और सरकार ने ये जितने भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, अमेजोन है, फार्म ईजी है, नेटमेड है, 1MG है, और ये सब के ऊपर नोटिस देके इनको बंद करने के लिए कहा गया है और वो ये बंद होगा। दूसरा सवाल हमने ये पूछा है कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर आए हैं कि आपके हमारे अपने देश में दवा के ऊपर जो हमारा रिटेल का मार्जिन है 20% है और होलसेल का मार्जिन खाली 10% है, दवा का दाम या ये सरकार तय करती है, लेकिन ये नए लोग आए हैं हमको ख़त्म करने के लिए, ये बाहर से कैपिटल लेके आते वो जलाकर हमको मारने के लिए 35%, 40% ये डिस्काउंट या दे रहे हैं, जिससे हम टिकेंगे नहीं। तो इसके खिलाफ भी ऑल इंडिया ने नारा बनाया, हम पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है इनको मिलने जा रहे हैं, और ये जो भी होलसेल कीमत के नीचे जो भी 5%, 10% होता है जिसको प्री डेटोरी प्राइस बोलते हैं, ये ज़्यादा डिस्काउंट ये बंद करने का एक और नारा ऐलान हमने ऑन किया है। और लगभग एक अगले महीने में हम ये इसके खिलाफ भी आवाज उठाकर ये ज़्यादा डिस्काउंट जो दे रहे हैं हमारे मार्जिन से ज़्यादा उनको कम करने के लिए एक ऐलान करेंगे।